डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणीक का हिमाचल प्रदेश की दो कंपनियों के साथ एमओयू साइन हुआ है। इसके तहत नौणी विश्वविद्यालय के फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा सेब से तैयार किया गया मूल्यवर्धक उत्पाद की तकनीक को शिमला की कंपनी शिवम इंडस्ट्रीज को दिया गया है, जिसके तहत कंपनी सेब के चिप्स व रिंग्स को विश्वविद्यालय की तकनीक द्वारा तैयार कर बाजार में उतारेगी। वहीं दूसरा एमओयू सेब का जूस निकालने के बाद बचे पॉम्स को सुखाकर बनाए गए पदार्थ की तकनीक पर हुआ है, जिससे शिमला की ही एक कंपनी हाईलैंड ग्रूवर्स के साथ किया गया है। आपको बता दें कि फूड साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के दम पर सेब के विभिन्न तरह के मूल्यवर्धक पदार्थों को बनाने की तकनीक विकसित की गई है, जिससे किसानों व बागवानों को भी लाभ पहुंचेगा और उन्हें विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग मुहैया करवाई जाएगी। नौणी विश्वविद्यालय के फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर देवीना वैद ने बताया कि विभाग द्वारा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत विभाग में सेब के विभिन्न मूल्यवर्धक उत्पाद बनाने पर बहुत कार्य हुआ है, जिसके तहत विभाग में विकसित इसकी दो तकनीकों के लिए प्रदेश की ही दो कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया गया है। यूनिवर्सिटी ने सेब के ऊपर बहुत काम किया हुआ है और हमारा सौभाग्य है कि हम दो कंपनियों के इंडस्ट्रियों के साथ जो है एमओयू साइन किए हैं। जो पहला जो हमारा एमओयू साइन हुआ है वो शिवम इंडस्ट्रीज के साथ हुआ है। वो काम करेंगे जो सेब से हमारी जो चिप्स बनेंगी या रिंग्स बनेंगे, कि जो हमारा जो टीम है जिसमें मैं, देवीना वैद्या, डॉक्टर मनीषा और अनिल गुप्ता हम काम कर रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स एमएससी पीएचडी स्टूडेंट्स जो दिन रात काम करके हमें इसमें एक सफलता मिली है कि हम जो एप्पल की जो रिंग्स हैं उनको एट पार, जो पोटैटो चिप्स जैसी आपकी आती है उस तरह से हम बना पाए हैं। और इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने हमारे से ले लिया हुआ है। जो हमने यूनिवर्सिटी के साथ उनका जो एमओयू हुआ 50,000 रुपये उन्होंने दिए हुए हैं। साथ ही समय इसमें जो टेक्निकल नोहा है वो यूनिवर्सिटी की है, वो वन टाइम है। मीन्स ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दिया अगलों को नहीं देंगे, हम अगलों को भी इस टेक्नोलॉजी को दे सकते हैं। हमारा जो दूसरा हुआ वो भी सेब के ऊपर ही हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि सेब का जब हम जूस निकालते हैं जो पोमेस बच जाता है तो अदरवाइज वेस्टेज है, लेकिन हमने विभाग में ये काम किया और पाया कि ये वेस्टेज नहीं है, बहुत बहुमूल्य पदार्थ है जिसको कि आप सुखा करके जो उसकी मूल्यवान पदार्थों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो दूसरी इंडस्ट्री हमारी है, जो मिस्टर अमन जुष्टा है, वो मेसर्स हाईलैंड ग्रूव्स करके शिमला के हैं, इन्होंने ये टेक्नोलॉजी हमारे से ली है।